नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सागरीय जल द्वारा अपवर्तन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इरोजन साइकिल ऑफ सी वाटर, यानी सागर के जल के द्वारा अपवर्तन चक्र। तो यहाँ पर सागर के जल के द्वारा अपवर्तन चक्र के दो केसेस हैं। इसमें हम लोग दो केस में स्टडी करेंगे, क्योंकि दो कंडीशन बन जाता है। जैसे पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई मान लीजिए सागर का किनारा है, अब हम लोग तट और किनारा से वाकिफ हो चुके हैं, किनारा है सागर का किनारा, वह नीचे चला जाए, नीचे चला जाए का मतलब डूब जाए। व्यवहारिक भाषा में हम लोग ये समझ रहे हैं कि सागर का किनारा था, नीचे चला गया, नीचे चले जाने से पानी में डूब गया, तो वहाँ पर क्या होगा, कैसे वहाँ का इरोजन साइकिल होगा। दूसरा हमारे पास है कि जो सागर का किनारा था ऊपर आ जाए, तो वहाँ का सागरीय जल किस प्रकार से अपवर्तन चक्र वहाँ पर अपनाती है, यानी साइकिल ऑफ इरोजन किस तरह से। दो केसेस हैं, पहला केस को हम लोग पकड़ते हैं। पहला में हम लोग को दिख रहा है जलमग्न किनारे पर अपवर्तन चक्र, यानी अगर किसी का किनारे का जलमग्न का बात करें, सबमर्जेंस ऑफ सोर का हम लोग अगर पकड़ें, उसको स्टडी करें, सोर लाइन में किनारा, किनारा का इरोजन साइकिल पर अगर हम लोग ध्यान दें, तो जलमग्न के लिए, जलमग्न के लिए, सबमर्जेंस के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जो सागर का किनारा है वह डाउनवर्ड चला जाए, डाउन मूवमेंट हो जाए, यानी नीचे चला जाए, डाउन मूवमेंट का मतलब नीचे चला जाना। तो ये एक केस हो गया कि यदि सागर का किनारा डाउन मूवमेंट कर जाए, यानी नीचे चला जाए, जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में हिंदी में अवतलन कहते हैं, अवतलन हो जाए, तल का नीचे चले जाना अवतलन कराता है, तब वहाँ जलमग्न किनारा बन जाता है। दूसरे ये है कि सागर का जल बढ़ जाए, सागर का जल ही लेवल, सी लेवल ही बढ़ जाए, जिससे कि किनारा डूब जाए। तो दो कंडीशन यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है, यानी हम लोग दूसरा कंडीशन में देखें कि सागर तल में उभार है, जल का बढ़ जाना, जल का तल बढ़ जाना, सागर का जल का तल बढ़ जाना, मतलब सागर तल में उभार आ जाना। तो दो ही कंडीशन हैं जब ये जलमग्न हो जाएगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं सबमर्जेंस, तल जो है सबमर्ज कर जाए पानी में, सबमर्ज कर जाए या डाउन मूवमेंट हो जाए, दोनों दो ही पॉइंट हैं, डाउन मूवमेंट, सबमर्जेंस, दो पॉइंट्स हैं, इससे हमारा जलमग्न किनारा बनता है। यहाँ पर जलमग्न किनारा से दो पॉइंट और निकल के आता है। यदि मान लीजिए कि किसी तट के किनारे के पास कोई नदी भी बहती है, नदी भी बहती है, और सबमर्जेंस का घटना वहाँ पर घट गया, किनारे के पास सबमर्जेंस हो गया, निमज्जन हो गया, जलमग्न हो गया वो किनारा, और वहाँ कोई नदी भी बहती थी, तो नदी का जो बेसिन था वो भी सागर में डूब जाएगा जलमग्न हो जाने से, और जो डूब गया उससे रिया कट जाता है। तो रिया कट आप जानिए कि जब कोई नदी का बेसिन सागर में डूब जाता है तो उसको हम लोग रिया कट कहते हैं। और यदि कोई हिमानी का घाटी हो, हिमानी ने घाटी को बनाया हो, ग्लेशियर ने घाटी को बनाया है, अगर वो कहीं सागरीय जल में डूब जाता है तो क्या हो जाएगा, फ्योर्ड कट बन जाएगा, फ्योर्ड कोस्ट। इस तरह का फ्योर्ड कोस्ट है आपको आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में खूब दिखो, आर्कटिक सर्कल वाले एरिया में फ्योर्ड कट हमें खूब मिलेंगे, जबकि रिया तट नदी वाले क्षेत्रों में मिलता है। तो ये सबमर्जेंस से दो और हम लोग रिया तट और फ्योर्ड कट के भी बारे में जान गए, बेसिक नॉलेज था ये। अब हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं कि जलमग्न किनारे पर अपवर्तन चक्र क्या है। जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अपवर्तन चक्र में, यानी साइकिल ऑफ इरोजन में,
थ्री स्टेजेज होते हैं, जिसको यहाँ हम लोगों ने लिखा है यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, सेलाइन स्टेज। यही तीन लाइफ है अपवर्धन चक्र का। यूथ स्टेज को तरुणावस्था, मैच्योर स्टेज को प्रौढ़ावस्था और सेलाइन स्टेज को वृद्धावस्था। इस तरह से हम लोग तीन स्टेज जानते हैं। तो जब मान लीजिए कि किनारा जलमग्न हो गया है, तो वहाँ पर तरुणावस्था में क्या है? अब इस पर हम लोग का सवाल है कि तरुणावस्था में क्या क्या बनते हैं वहाँ पर। तरुणावस्था में देखेंगे कि सागर का जल चूंकि बढ़ गया है, तो तट के तरफ काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तट के तरफ आगे बढ़ेगा तो जो तट का किनारा है उसको वो काटने का प्रयास करेगा। तट के किनारे को, तट को काटेगा, तट के अग्रभाग को काटेगा, तो उससे तटीय क्लिफ बन जाएगा। और आधार पर अगर जल, सागर का जल उसके आधार पर, तट के आधार पर भी कटाव करेगा, अब घर्षण करेगा, जिससे वहाँ नौच या खांचा भी बनेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे वहाँ तरंगभर्ती वेदिका भी बनेगा आगे चलकर। जैसे जैसे तटीय क्लिफ पीछे हटता जाएगा, तट का अग्रभाग जिसको हम लोग तटीय क्लिफ कहते हैं, जैसे जैसे पीछा हटता जाएगा वेव कट प्लेटफॉर्म बनता चला जाएगा। तो इस तरह से अपवर्धन वाली अस्थलाकृतियाँ दिखने लगी, जो हम लोगों ने अपवर्धन द्वारा अस्थलाकृतियाँ पढ़े हैं। उसी में आप देखेंगे कि तरंगभर्ती वेदिका पर ज्वारीय कुंड भी मिलेंगे। कोई गड्ढा बन गया उस पर तो ज्वारीय कुंड मिल जाएगा। इसके साथ साथ आइसोलेटेड रॉक्स रीफ भी तरंगभर्ती प्लेटफॉर्म पर मिलता है, तो ये भी हम लोग वहाँ पर पाएंगे। साथ ही साथ और भी हम लोग जैसे जानते हैं कि यदि कठोर सैल और कोमल सैल समानांतर रूप में अगर तट के साथ लगे होते हैं, तो कठोर सैल के रूम में यानी उसके पोर में समुद्री जल प्रवेश कर पीछे के कोमल सैलों को पिघला देता है। पिघलाने का मतलब वहाँ से हटा देता है, घुला देता है उसको, घुलन प्रक्रिया के द्वारा घुला घुला कर बाहर निकाल लेता है, जिससे वहाँ पर कोव बन जाते हैं। कोव का मतलब अंडाकार कटान हो जाते हैं, लघु निवेशिका बन जाता है। तो ये सब तरुणावस्था में बनते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे कि यदि तट से जो कठोर रॉक्स का, हार्ड रॉक्स का जो एक लेयर था, अगर वो बिल्कुल अलग हो गया है, तो वो हेडलैंड के रूप में दिखेगा, शीर्ष स्थल के रूप में दिखेगा वो। तो इस तरह के अपवर्धनकृत स्थलाकृतियाँ वहाँ पर दिखेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए तट के पास कोई तट का जो स्ट्रक्चर पर वो डिपेंड करता है, तट का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर सागरीय जल के द्वारा अगर कठोर और कोमल सैल मिक्सअप हो, तो कोमल सैल को हटाने लगेगा धीरे धीरे। और इस प्रकार से आप देखेंगे एक केव भी बना सकता है वहाँ, गुफा भी बना सकता है। और गुफा को ज़्यादा, कंदरा को ज़्यादा बड़ा कर दे, तो वो मेहराब का भी रूप ले सकता है, प्राकृतिक मेहराब जिसको हम लोग नेचुरल अर्थ पड़े हैं अपवर्धन चक्र में, वो भी इस समय बन सकता है। या आपका प्राकृतिक मेहराब जो है वो टूट गया, तो वो आप देखेंगे सागरीय स्टैक के रूप में दिखाई पड़ेगा। हम लोग ये सब अपवर्धन वाला में पढ़ लिए हैं। सागरीय स्टैक जो उसका आगे का शीर्ष स्थल था, प्राकृतिक मेहराब था, वो स्टैक के रूप में दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर स्टैक का भी अपवर्धन हो जाए, तरुणावस्था में ही हम लोग देख रहे हैं, तो आपको स्टाम्प भी दिखेंगे। तो इस प्रकार से अपवर्धनकृत स्थलाकृतियाँ आपको कई तरुणावस्था में दिख रही हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर कंदरा का जो प्राकृतिक मेहराब है, उस पर जल दाब का प्रेशर पड़ रहा है, तो प्राकृतिक चिमनी भी बनेगी। हवा का अंदर जाना और बाहर जाना, इससे प्राकृतिक चिमनी ग्लो होल्स बन जाते हैं, नेचुरल ग्लो होल्स बन जाते हैं, प्राकृतिक चिमनी उसको हम लोग कहते हैं। या आप देखेंगे कि प्राकृतिक चिमनी लगातार हवा के आने जाने से टूट गया, तो वहाँ खाड़ी बन सकता है, जिसको हम लोगों ने बात किया था कि स्कॉटलैंड में उसको जियो कहते हैं। तो ये सब हम लोगों ने वहाँ पढ़ा है, यहाँ सब कुछ उस पॉइंट्स को हम लोग लिख सकते हैं, तरुणावस्था में बनते हैं। तरुणावस्था के प्रारंभिक चरण में भी कुछ निक्षेपणकृत स्थलाकृतियाँ होती हैं, लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे कि अपवर्धनकृत स्थलाकृतियाँ ही
भारी रहती हैं तरुणावस्था के प्रारंभिक चरण में, जबकि तरुणावस्था के आगे के चरणों में जब अपर्दन कुछ कम होने लगता है तो विक्षेपण प्रभावकारी हो जाता है, डिपोजिशंस शुरू हो जाते हैं। इसी यूथ स्टेज में ही आप देखेंगे कि निक्षेपण भी आगे चलकर शुरू हो गया। तरुणावस्था के अंतिम चरण में हम लोग कई निक्षेपणकृत स्थलाकृतियों को पाएंगे, कई निक्षेपणकृत स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि वहाँ पर पुलिंग भी बन सकते हैं, सॉरी तूफान पुलिंग बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उस सागर जल में खूब सारा स्टॉर्म आ गया, बहुत सारा स्टॉर्म आ रहा है सागरीय जल में, तो आपका पुलिंग स्टॉर्म पुलिंग बन जाएगा या पस पुलिंग बन सकता है। तो अपर्दन वाला स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, धीरे धीरे कटने लगती हैं, और जो जैसे हमने अंत तक इतना पड़ा अपर्दन वाला वो कट कट कर अपनी क्षेपण में कन्वर्ट होने लगती है। अब वो अपर्दन कृत हो गई, कट पड़ गई, तो कटने के बाद जब कटान समाप्त होने लगता है तो आप देखेंगे डिपोजिशन में कन्वर्ट होने लगा, निक्षेपण कृत स्थलाकृतियाँ आप दिखेंगे, जैसे आपको बीच दिखने लगेंगे, कस्प पुलिंग आपको दिखेगा, स्टोन पुलिंग दिखेगा, सैंड रिपल वगैरह दिखने लगेंगे। अब निक्षेपण कृत स्थलाकृतियाँ शुरू हो गई। इसी प्रकार से आपको स्पीड दिखेंगे, तट से लगा हुआ आगे बढ़ता हुआ भाग वेलेंसी धारा के साथ स्पीड दिखने लगता है। यहाँ पर हेडलैंड हम लोग को स्पीड और हेडलैंड को जोड़ता हुआ टोम्बोलो दिखने लगते हैं, दो हेडलैंड को कनेक्टिंग बार दिखने लगेंगे निक्षेपण कृत में। इस तरह से आप देखिए हुक्स दिखने लगेंगे, मिक्स्ड हुक्स बनेंगे, वही स्पीड आगे बढ़कर अगर अन्य लहरें जो वेलेंसी धारा स्पीड को बना रही थी वही अन्य लहरें आकर उसके डायरेक्शन को मूव कर दें तो हुक्स बनने लगेगा, लूप बनने लगता है। यानी अपर्दन कृत स्थलाकृतियाँ जब समाप्त होने लगती हैं तो डिपोजिशन शुरू हो जाता है। इसी यूथ स्टेज के अंतिम चरण में लूप्स आपको दिखेंगे, लूप से यहाँ पर भी दिखने लगते हैं। तो इस तरह से निक्षेपण कृत स्थलाकृतियाँ इसे तरुणावस्था के अंतिम चरण में विकसित हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि जो तरुणावस्था में अपर्दन कृत स्थलाकृतियाँ बनी थी और निक्षेपण कृत स्थलाकृतियाँ बनी थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती, उनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। यह मैंने लिखा है इक्विलिब्रियम यानी संतुलन आने लगता है अपर्दन और निक्षेपण कृत स्थलाकृतियों में, और मैच्योर स्टेज के आगे के चरणों में यानी मैच्योर स्टेज जब थोड़ा सा अपना फुल फ्लेज में आता है तो आप देखेंगे जितने भी ओरिजिनल और डिपोजिशनल लैंड बने थे वो बिल्कुल कट के प्लेन फ्लैट दिखने लगता है, जैसे लगेगा कि बालू का प्लेन है, सैंड बिछा दी गई है, सैंड का सीट बन गया है, वैसा मैच्योर स्टेज में दिखने लगता है। जबकि सेलाइन स्टेज में बिल्कुल ही आप पाएंगे जो थोड़ा बहुत उच्चावच की रिलीफ थी, ऊंचाई नीचाई थी, वो भी बिल्कुल कट कर एक सीट बिछ गया है जो कि सुदूर किनारे की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग तीन स्टेज में जलमग्न किनारों का अपर्दन चक्र पढ़ पाए। अब हम लोग उन्मग्न किनारों के बारे में, उन्मग्न किनारों का कैसे अपर्दन साइकिल होता है, इरोजन साइकिल होता है, इमर्जेंस वाले का, तो इसमें अभी आप देखेंगे कि दो ही केस है। इसके यदि सागर का जो किनारा है ऊपर उठ जाए, अपलिफ्ट कर जाए, उत्थान हो जाए उसमें, इसको हम लोग इंग्लिश में उसके लिए टर्मिनोलॉजी है अपलिफ्टमेंट, उत्थान, सागर का किनारा ही उत्थान कर जाए, या ये भी हो सकता है कि जो सागर में डूबा हुआ एरिया था, सागर में डूबा हुआ एरिया था, सी लेवल घट जाने से वो ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़े। तो दो कंडीशन हैं कि या तो सागर का जल ही नीचे चला जाए या तल खुद ही उठ जाए, या तो अपलिफ्टमेंट हो जाए या सागर का जल नीचे जाने से उसमें जो किनारा में इमर्जेंस आ जाए। तो दो वर्ड है यहाँ पर की वर्ड्स, एक अपलिफ्टमेंट है जिसको हम लोग उत्थान करते हैं, सागरीय किनारा ही उठ गया, और दूसरा हमारे पास की वर्ड्स है इमर्जेंस, क्योंकि सागर जल के नीचे चले जाने से निर्गमन हो जाए। तो दो उन्मग्न किनारों के लिए हमारे पास की वर्ड्स है, हम लोग समझ गए कि दो
दो तरीके से उन्मग्न किनारा बनता है। जहाँ पर उन्मग्न किनारे बन जाते हैं वहाँ पर आप देखेंगे जो सागर के जल नीचे चले जाने से वहाँ पर जो किनारा हम लोग का मिलता है उसका ढाल मंद होता है, मन ढाल का होता है। तो और जबकि गहराई जो होती है वहाँ पर निहायत कम होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तट तथा किनारे से संलग्न तटीय मैदान का जो विस्तार है सागर से बहुत दूरी तक हो जाती है। वहाँ पर जस्ट उल्टा उसका हो रहा है, जलमग्न में सागर बहुत तट के तरफ आ गया था, किनारा तट तक पहुँच गया था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि चूँकि इमरजेंस हुआ है तो यहाँ पर जो किनारा है वह काफ़ी दूर तक फैल गया है, क्योंकि उत्थान हो गया है, निकल गया है, सी लेवल नीचे चली गई है। तो किस तरह से यहाँ पर जल की गहराई भी निहायत कम हो जाती है। जल की निहायत गहराई कम हो जाने से क्या प्रॉब्लम्स होगा, जो हम लोग सर्फ का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि लहरों का रिदम टूट जाता है, जिसको हम लोग ब्रेकर जानते हैं। लहरें फेज पर चलती हैं, लहरों का जो चलने का सतह होता है उसे हम लोग फेज कहते हैं, जो न केवल सागर के ऊपरी भाग में होता है जबकि गहराई में भी होता है। जब यह फेज कम गहराई वाले क्षेत्र में आता है यानी किनारे की तरफ आता है उन्मग्न किनारे के पास, तो गहराई कम हो जाने से वो टूट जाता है, उसकी जो लहर की रिदम होती है टूट जाता है, उसकी लंबाई कम हो जाती है जिससे उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और वह सब के रूप में ऊंचा उछल जाता है, जम कर जाता है। और वही लहरें तट के किनारे के तरफ आती हैं, किनारे के तरफ तट और किनारे की तरफ टेंस कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं, और आप देखेंगे कि वहाँ पर वो नोच बनाने लगती हैं या कम ऊंचाई के क्लिफ भी बनते हैं। तटीय क्लिफ भी कम ऊंचाई के बनते हैं जिसको हम लोग नीप भी कहते हैं, NIP नीप भी कहते हैं, यहाँ पर कम ऊंचाई का टेंस बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे सर्फ वगैरह, सर्फ के लहरों के टूटने से जो लहर वहाँ से आगे बढ़ रहा है वह लहर तटीय और किनारे भाग के तरफ निचले हिस्से में ज़्यादा कटाव करता है, नोच बना देता है, जबकि कुछ हद तक किनारे को काट कर तटीय क्लिफ में भी बदलता है, लेकिन इसकी ऊंचाई कम होती है, यहाँ पर हमें नीप दिखाई पड़ती है। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगर देखें तरुणावस्था, इसका हम लोग फर्स्ट स्टेज में हम आते हैं, प्राइमरी सेटअप कर ली कि ऐसा ऐसा कंडीशन होता है। अब हम लोग आते हैं इस उन्मग्न किनारे का इमरजेंस सोर लाइन का, हम लोग तरुणावस्था में देखेंगे क्या सिचुएशन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्योंकि किनारा जो है बहुत दूर तक एक्सटेंड हो गया है, तो आप देखेंगे कि सुदूर किनारे पर यहाँ आपको रोधिका और रोध के रूप में बालू का जमावट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऑफशोर बार्स मिलेंगे या बैरियर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर दोनों मिलेंगे, बार्स और बैरियर्स दोनों मिलेंगे। और इस तरह से यहाँ पर रोधिका, रोध, लैगून्स और कुछ हेडलैंड जो अपरदन से बने हुए हैं हेडलैंड्स, उस तट से लगकर कुछ आप देखेंगे स्पीड के रूप में जाकर आगे के हेडलैंड यानी शीर्ष स्थल यानी जिसको कठोर शैल वाला जो हम लोग हिस्सा करते हैं उससे जाकर भी ये स्पीड जुड़ जाता है इस स्टेज में, जो टम्बोलो का रूप ले लेता है। और कभी कभी ये होता है कि ये स्पीड आगे बढ़कर ऑफशोर बार से भी आगे बढ़ गया, हो सकता है कि ऑफशोर बार से भी कनेक्ट हो जाए या तट से भी कनेक्ट हो जाए और वो एक लूप बना ले, तो लूप का निर्माण हो जाता है, या तट से लगा हुआ अगर लूप का निर्माण हो रहा है तो आप देखेंगे तट से लगे हुए स्पीड जो बढ़ रहे हैं कुछ अन्य धाराओं के चलते, बेलेंचली धारा के अतिरिक्त कुछ अन्य धाराओं के सहारे उनमें अंकुश बन जाए और इस प्रकार से लूप में बदल जाए, तो इस तरह से वहाँ पर लूप भी तरुणावस्था में बनते हुए देखेंगे। लूप का कहीं से ब्रेक हो गया तो उसमें हम लोग टाइडल इनलेट्स भी देखेंगे, ज्वारीय प्रवेश मार्ग भी बन जाता है। कभी कभी अगर मान लीजिए नदियाँ आ रही हैं,
नदियाँ तट के तरफ किनारे की तरफ गिर रही हैं किसी किसी स्थिति में, और उसके आगे लूप वगैरह हैं यानी लैगून लेक्स हैं, तो नदियों के मलबा के गिरने से लैगून लेक भर भी जाता है और दलदली टाइप का भी हो जाता है। सूख जाने पर पवन के अपवर्धन का भी क्रिया वहाँ पर आप देखेंगे, तो इस तरह का कभी कभी दलदल भी बन जाता है, कभी कभी उस लूप में वनस्पतियाँ वगैरह हो जाती हैं, और अगर सूख गया तो पवन का अपवर्धन भी वहाँ पर हम लोगों को तरुणावस्था में देखने को मिलेगी। तो उन्मग्न किनारा जलमग्न किनारे से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ उस तरह का आकृति आप नहीं देखेंगे उन्मग्न किनारों में, इमरजेंस वाले में कि कंदरा वगैरह बन रहा हो, इस तरह का यहाँ पर कम चीज़ें बनती हैं अपवर्धन से, ज़्यादातर यहाँ पर निक्षेपण कृति ही दिखेगा आकृति बनती हुई। तो इस तरह का हम लोग देख लिए कि यहाँ मूल रूप से ऑफशोर बार, बैरियर्स, लैगून्स, स्पीट, क्या नाम है, लूप्स, हुक्स, ये सब यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। निक्षेपण के अस्थलाकृतियाँ ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखेंगी, टोंगोलो वगैरह तरुणावस्था में इस तरह का उन्मग्न किनारे के पास बनती हैं। यहाँ पर कंदरा वगैरह बहुत रेयर ही बनते हैं, नहीं बनते, लगभग नहीं बनते, वो जलमग्न किनारों के पास क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा होता है, तो वहाँ ज़्यादा एक्शन होने से प्राकृतिक कंदरा वगैरह या आप देख रहे हैं मेहराब, प्राकृतिक मेहराब वगैरह बनते थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम बनते हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ावस्था में हम लोग चले, यूथ स्टेज में अगर हम लोग बात करें उन्मग्न किनारों का, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रोधिका, लैगून, दलदल, ज्वारीय प्रवेश मार्ग जो ये सब बने थे, लूप्स आदि प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे नष्ट प्राय होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, यानी जो बने थे तरुणावस्था में यूथ स्टेज में निक्षेपण की कलाकृतियाँ बहुत सारी बन गई थी, वो इस स्टेज में आते आते काफ़ी नष्ट हो जाती है, तो उनका समाप्ति हो जाता है। उनका देखेंगे कि लहरों ने उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया है, और इस प्रकार से जो उनका उच्चावचीय विभिन्नता है वो कृत्रिम संतुलन अवस्था में पहुंच जाता है। तीसरा स्टेज सेलाइन स्टेज की बात आ जाती है, तो सेलाइन स्टेज में देखेंगे कि बिल्कुल प्लेन हो गया, यानी प्लेन टाइप का दिखने लगा वहाँ सागर के किनारे के पास, जो कि सैद्धांतिक रूप में ही ऐसा संभव है, क्योंकि तो तट के पास हमेशा कभी स्टॉर्म आ गया, कभी सुनामी आ गया, वहाँ बिल्कुल कुछ न कुछ चेंज होता रहता है, जिससे सैद्धांतिक तौर पर सेलाइन स्टेज का आना आसान बात नहीं है। कभी आप देखिए अम्फान आ गया, कभी निसर्ग आ गया, तो उससे तटीय किनारों पर हेर फेर होती रहती है, मलबा का निक्षेपण होता रहता है, पुलिंग पर आप देखेंगे बीच पर कुछ चेंजिंग होते रहते हैं, तो ये व्यवहारिक रूप में जीर्णावस्था मुश्किल से ही कहीं 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 पर दिख पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जलमग्न किनारा और उमग्न किनारा यानी सबमर्जेंस और इमर्जेंस किनारों का सागरीय लहरों द्वारा अपवर्धन चक्र साइकिल ऑफ इरोजन को समझ पाए, और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों का अंतर भी लिख पाइएगा, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, और दोनों का तरुणावस्था में कुछ ज़्यादा ही अंतर आपको मिलेगा, वहाँ पर अपवर्धन कृत स्थलाकृतियाँ खूब बनी, साथ ही साथ निक्षेपण कृत भी बनी, यहाँ अपवर्धन कृत स्थलाकृतियाँ बनी लेकिन संख्या में कम बनी, यहाँ पर कंदरा उंदरा टाइप का कम चीज़ें दिखेगा, क्लीफ बनी लेकिन हाइट में कम है, इमरजेंस में जिसको हम लोग नींद कह दिए थे, खांचे बन रही थी, नोच बन रही थी, वेव कट प्लेटफॉर्म भी बना, आइसोलेटेड भी कुछ दिखेंगे, रॉक्स वगैरह, रॉक्स रिप्स दिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर जैसे कंदरा वगैरह कम बनते हैं तो उन्मग्न किनारे, तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए। तो इस तरह से हम लोग सागरीय जल के द्वारा अपवर्धन चक्र को समझ पाए होंगे, और मुझे उम्मीद है आप लिख पाइएगा। थैंक यू।